दुनिया में फास्ट स्पीड वाली ऐसी ऐसी कार्स मौजूद है जो रफ्तार के मामले में तूफान को भी मात देती है। ये सुपर कार्स घंटे भर में 300 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। आइए आपको दुनिया की 5 सबसे तेज रफ्तार वाली कारों के बारे में बताते हैं। नंबर 5, फायर फोर्स 3 जेट कार। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार है। ये कार 5.8 सेकंड में 540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस कार में J60 कोर्स की क्रेन हेलीकॉप्टर का इंजन लगा है। ये इंजन 2500 किलोग्राम का दबाव छोड़ता है जिससे कार को 10,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा मिलती है। इतनी तेज रफ्तार से दौड़ आने के लिए कार को 95 लीटर ईंधन की जरूरत पड़ती है। इस कार का कुल वजन 794 किलोग्राम है। इस कार की तेज गति को रोकने के लिए कार में 4.3 मीटर के 2 पैराशूट और साथ में 2 हाइड्रोलिक ब्रेक भी है। नंबर 4, शॉक वेव जेट ट्रक। ये ट्रक 2006 में लोज शॉर्टली नाम के एक आदमी ने बनाया था। इस ट्रक में J48 जेट के 3 इंजन लगे हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 36,000 हॉर्स पावर की है। इस ट्रक को रोकने के लिए ट्रक में बेहद मजबूत ब्रेक सिस्टम लगा है और साथ ही ट्रक को रोकने के लिए 2 स्पेशल पैराशूट भी लगाए हैं। इस ट्रक की सामान्य स्पीड 412 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 612 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से इस ट्रक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। नंबर 3, विकिंग T6 स्पेशल। पोस्टर एंड कंपनी द्वारा बनाई गई इस तेज चलने वाली कार को अंदर बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को पूरी तरह ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कार की स्पीड 215 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस कार में लगे 8 सिलेंडर इंजन कार को 405 हॉर्स पावर की ऊर्जा देते हैं। इस कार में लगे जबरदस्त टायर को साउथ कोरियन कंपनी हैंकॉक ने बनाया है। नंबर 2, प्लाईमाउथ एयर रेडियल ट्रक। इस कार को जैक ऑफ 875582 रेडियल इंजन के साथ तैयार किया गया जिसे 1991 के 195 बिजनेस लाइन सी प्लेन से निकाला गया। ये कार 300 हॉर्स पावर की है। इस कार में एयर कूल सिस्टम भी लगा हुआ है जिसमें गर्म हुए इंजन को ठंडा किया जाता है। इस कार के इंजन को बड़ी ही सूझबूझ के साथ कार में लगाया गया है जिससे कार चलाते समय किसी को कोई परेशानी ना हो। नंबर 1, ब्रूटस। ये दुनिया की ऐसी पहली कार है जिसमें BMW एयरक्राफ्ट का इंजन लगा है। इस कार का वजन 510 किलो है। ये कार 1.8 मीटर लंबी और 1.1 मीटर ऊंची है। इस भारी इंजन का वजन सहने के लिए 1908 की एले फ्रांस अमेरिकन कार का इस्तेमाल किया गया। इस कार में लगे स्पेशल इंजन सिस्टम की बदौलत ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किस कार ने किया।